हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो एक मोटिवेशनल थॉट है, देखते हैं क्या है कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि आप उस पर हार्ड वर्क यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। सपने को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और अगर आप कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपको वो सपना ज़रूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो भी पहले वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं उनको देखिए। तो वहाँ से ये रहेगा कि आपको एक फिगर, एक मतलब जो भी सिक्वेंस चल रहा है आपको वो सिक्वेंस आप पकड़ लेंगे तो वहाँ से आराम से आपको समझ में आने लगे। वैसे अगर आप पहले से तैयारी कर रखे हैं तब तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मैं बेसिक बताने वाला हूँ। जैसे बेसिक बताने वाला हूँ इसलिए ताकि माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी टाइप बन रहा है, एक टाइप में कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप की वैल्यूज रख के, मतलब क्या क्या रख कर और कितने टाइप के बनाए जा सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर भी इसी तरीके से सोचता है, एक क्वेश्चन बनाया फिर उसमें उसका जो बेसिक होता है वहाँ से डेटा उठाता है, फिर वहाँ से सोचता है कि और इसमें क्या बनाए जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं देखो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से थोड़ा बताने वाला हूँ, और जिन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, जो लोग पहले से थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं वो लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक अटेम्प्ट करेंगे और मैं तब तक इसका बेसिक बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो लोग अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, या तो जिनका कंपाउंड इंटरेस्ट से डर लगता है उनके लिए एकदम एकदम बढ़िया सोल्यूशन, बेस्ट। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगा, एकदम आराम से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा बात किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि एट व्हाट परसेंट। देखो इस पर सेम इसी टाइप पर मैं 8-9 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कहाँ पर, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप वहाँ देख लेंगे तो वहाँ पर भी समझाया गया अच्छे से, और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पहला क्वेश्चन डिटेल में समझाएंगे, आगे देखते हैं कैसा क्या होता है फिर उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो चलो एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपी 40,824 अमाउंट टू रुपी 48,030 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक आदमी कोई भी है, एक जिसने इतने रुपए क्या किया, जमा किया, कितने जमा किया, 40,824 रुपये उसने जमा किया, 3 साल बाद उसको कितना मिल गया, 48,013 रुपये 3 साल बाद उसे मिल गए। तो पूछ रहा है कि रेट क्या रहा होगा। तो देखो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बैकग्राउंड में जाने वाला हूँ। देखो इसका फार्मूला क्या है, हाँ एक बात और, मैथ में कहीं भी आपको फार्मूला रटने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, अर्थमेटिक में किसी भी चैप्टर में आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ सीखना है पहले क्या मैथ थी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ बस उसी को आपको सीखना है, उसी से आपको मैथ आ जाएगा, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एक्चुअल में जो मैथ होता है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ कभी कभी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि कितने टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू द पावर टी। ये तो हमारा क्या है, एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें क्या है, देखो यहाँ क्या क्या गिवेन है। देखो प्रिंसिपल गिवेन है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट गिवेन है, टाइम टी बराबर टाइम गिवेन है। देखो क्या क्या गिवेन है, ये गिवेन है, ये है और टाइम है। तो अब इस वाले में बचा क्या, सिर्फ एक आर की वैल्यू बची है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो बस इसी को आपको सीखना है कि आप कितने आराम से और कितने इजी वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं, इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो ए अपॉन टी मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा, 1R/100, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 दिया है, तो टी इक्वल टू 3 रख लेंगे। तो देखो एक बात ये भी है, अब यहाँ 3 है तो हमें इस 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए जैसे मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए इधर हम रूट लगा लेंगे तो इधर भी रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ये स्क्वायर नहीं, ये क्यूब रूट होता, ये क्यूब होता तो यहाँ हमें क्यूब रूट लगाना पड़ता, तो इधर भी क्यूब रूट लगाना पड़ेगा।
अगर यहाँ पर फोर्थ पावर होता तो यहाँ पर हमें फोर्थ रूट लगाना पड़ता, तब जाकर ये अब देखो यहाँ से बाहर क्या आता, ये तो यहाँ पर यही हो जाएगा और वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो एक्स में चार है यानी चार, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो एक्स पर पावर चार है और ये जब फोर्थ रूट लगाते हैं तो इंटू में 1/4 हो जाता है, तो फोर्थ फोर कट जाता है तो यहाँ से सिर्फ एक्स बाहर आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फोर्थ रूट में चार का ग्रुप बनेगा उसमें से एक बाहर आएगा। तो चलो ये तो थोड़े से बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया था, तो हम इतने ज़्यादा बेसिक में ना जाएं तो सही है, चलो लेकिन चलते चलेंगे कभी कभी, ठीक है। देखो अब इसमें इसको हटाना है तो इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, तो ये इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए अपॉन पी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 + r/100, ठीक है। तो देखो बस हमें इतना ही करना है, लेकिन देखो ये सब हमको करना नहीं है, ये सब हमको कुछ इसमें से करना नहीं है, बस इसलिए ये सिखाना था कि ये क्यूब रूट हम क्यों कर रहे हैं। हमको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या लिखना है, ए लिख वो सिर्फ क्या लिखना है, पी लिखना है, पी लिख दिए और यहाँ पर ए लिख दिए। पी की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे कितना, 40,824। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48,030। तो अब इसमें देखेंगे अगर ये कट रहा है, कट रहा है तो हम इसे काटेंगे, बस हमको एग्जाम में ये वाला मेथड अटेंड करना है, ये नहीं इसको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्यूब रूट अभी लेंगे तो क्यों क्यूब रूट ले रहे हैं इसमें से, तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इरेज करें, नहीं ठीक है देखते हैं। अब देखो अब जब बात आती है कि देखो ये सारी डेटा लिख गए, क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन जब तक आप इसको काट नहीं पाएंगे कौन सी वैल्यू से ये कटेगा तब तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखो सोचेंगे कैसे काटने के लिए, ये भी ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम बड़े बड़े और खतरनाक खतरनाक डेटा लिख दें आपके सामने और मैं काट कर जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दूं, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब तक भाई आप एग्ज़ाम में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर नहीं निकल रहा है तो क्या फ़ायदा। तो आप चाहे 50 मेथड जानते हो एक सवाल का, अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिए पहुंच भी गए 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो उससे आपका कोई फ़ायदा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्या फ़ायदा जब ज़्यादा टाइम लग जाए, तो एग्ज़ाम में इतने टाइम थोड़ी मिलते हैं। हाँ अगर आप स्टेट के किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तब आप एकदम बेसिक से जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम भरपूर टाइम मिलता है, तो वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन SSC CDS में अगर जा रहे हैं तब तो आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो चलो देखते हैं इसको काटते हैं कैसे सोचेंगे, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा कैसे, इसका सम क्या कर लेंगे देख लेंगे, सम 3 से कटेगा तो ये कटेगा नंबर, 3 से इसका सम देख लेते हैं कटेगा नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा ये नहीं कटेगा, 5 से दोनों नहीं कटेंगे, 6 से नहीं कटेंगे। क्यों 6 से नहीं कटेंगे, क्योंकि जब 3 और 2 से जब ये 2 से नहीं कट रहा तो 6 से कटने की बात ही नहीं आएगी। अब 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 से इसको चेक करते हैं। अच्छा 7 से चेक करने के लिए अभी क्या करेंगे, देखेंगे 7 में कि लास्ट में 7 के टेबल में क्या लास्ट में 4 आता है, हाँ आता है, 3 आता है, आता है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में अगर आप टेबल लिखेंगे तो 0 से 9 तक सभी नंबर आएंगे, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है और भी और है लेकिन उसमें सभी 0 से 9 तक नहीं आते हैं, लेकिन 7 का जब आप भी टेबल लिखेंगे तो उसके जो यूनिट प्लेस पर है वो 0 से लगाए 9 तक सभी डिजिट मिल जाएंगे, तो 4 और 3 ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो देखो 7 से इसको काटते हैं कितने बजे, 7 5 35 4 हो जाएगा, 7 5 35 5 58 और 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा 56, उसके बाद से बचा कितना, 56 3 58 हो जाएगा 32 7 4 28 4 7 4 28 4 44, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 7 से एक बार फिर से काटते हैं, 7 5 35 5 58 7 8 अच्छा हाँ 7 8 कितना हो जाएगा 56, 7 8 56 2 हो गया तो 22 हो गया, 7 3 21 7 2 14 ठीक है ये हो जाएगा। 7 से इसको काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 6 42, 7 6 42 6 बच गया 60 हुआ, 7 8 56 4 बचा 41, 7 5 35 6 63 67 63। अब देखो अब हमें इतनी वैल्यू तो मिल गई, अब हमको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमें करना है टाइम कितना दिया है, 3 ईयर दिया है, टाइम 3 ईयर दिया है, तो अब हमको इसमें इसका लगाना पड़ेगा रूट, क्यूब रूट क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए
ये किसका क्यूब रूट है? अगर आपको ये नहीं याद है तो आप फंस सकते हैं। तो इसके किसका क्यूब रूट है कैसे पता करेंगे? 58, 32, ये 18 का क्यूब रूट है, ठीक है। हाँ 18 का ये है, तो यानी यहाँ से बाहर कितना निकल जाएगा, 18। तो ये जो 18 का है तो ये 19 का होगा। 5 से 6 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये 19 का होगा। 20 में तो नहीं होगा, क्योंकि 20 का कितना था, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। 8000 तो है नहीं, तो बचा क्या 20 से नीचे, 19 ही बचा, तो 19 कर लेंगे। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। तो अब प्रिंसिपल से अमाउंट तक जाने में कितने चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 का चेंज हुआ है किस पर, 18 पर। तो अपॉन 18 इंटू 100, तो ये ही अपना क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना रेट होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9, इसको काट लेते हैं 50, तो आएगा 50/9 परसेंट। जब इसको हम चेंज करेंगे, होल में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, 5 होल 5/9% और आज की बात है, ये परसेंट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये परसेंट आपको याद है तो आपको परसेंट में कभी कभी ये आता है, तो वहाँ पर दिमाग में वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहेगा, तो देखो इस ये जो इसके पहले हम लोग टाइप कर रहे थे उसी में, ये एक उसी क्वेश्चन में, ये उसी का वेरिएशन है, जो कि देखते हैं कि क्या कह रहा इसमें। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। का मतलब क्या है कि 10% वार्षिक दर पर 2000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और रेट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। ट्रिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप ट्रिक फॉलो करेंगे, और अगर आपको बेसिक जानना है तो बेसिक में, बेसिक ट्रिक के बाद जस्ट बेसिक बताएंगे। तो पहले ट्रिक बताते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट, इनका हम क्या ले लेंगे, इनका ले लेंगे रेशियो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया यानी मूलधन कितना दिया है, 2000, ओके। अमाउंट कितना दिया है, 2400, ओके। अब देखो जो कटे, जहां तक कटे काटते चलते हैं, तो पहले ये 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद से क्या कटेगा, 2 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसको 2 से काटेंगे तो यहां से कुछ गड़बड़ डेटा लिखा गया है, यहां से 2 रहेगा क्योंकि 24 20 है, काटेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। बस ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये किस क्या है, तो ये है स्क्वायर, ठीक है। अगर इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में भी स्क्वायर ही होना चाहिए, अगर इस साइड में क्यूब होता तो इस साइड में भी क्यूब होना चाहिए, इस साइड में फोर्थ पावर होता तो इस साइड में भी फोर्थ पावर होना चाहिए। तो यहाँ से जो पावर है वही अपना टाइम है, 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अपना आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो आप ये मेथड फॉलो करिएगा। और चलो इसका बेसिक देखते हैं, देखते हैं कि आखिर में क्यों ये, इसकी वैल्यू कैसे क्या आ गई, चलो देखते हैं कि ट्रिक बना कैसे। चल तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिक इसका बेसिक एकदम एक ही फार्मूला है, और वो एक फार्मूला क्या है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power t। तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल देखो इधर बुड़े में है, तो जब हम इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस एक ये चीज़ याद रखना है, ओके। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। देखो अमाउंट कितना दिया है, 2420 दिया है, तो 2420 अमाउंट रख लीजिए,
प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 दिया है, 2000 प्रिंसिपल रख लिए, इक्वल टू वन। आर की वैल्यू कितनी है, रेट कितना दिया है 10%, 10% कर लिया अपॉन 100 टू द पावर टी, यही निकाला, ये कट गया, ये कट गया, दो से इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 121 अपॉन नीचे कितना आएगा 100। इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 10 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 एक कम 10 और 11 11 अपॉन हो जाएगा 10 टू द पावर टी। तो इधर देखते हैं, देखो अब हमें ये बनाना है तो इसको क्या करेंगे, तो इस ये क्या है, तो 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो हम इन दोनों का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इधर क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये होता है बेस, ये जो ब्रैकेट में है ये है बेस, ठीक, तो इधर का भी बेस। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 2 का पावर 3 है तो अब इसकी वैल्यू 8 होती है, तो यहाँ इस साइड में जो भी होगा, इस साइड में जो भी आएगा उस 8 ही आना चाहिए, दूसरा कुछ आएगा तो फिर नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से 11 अपॉन 10 पर पावर 2 है, 11 अपॉन 10 इधर भी है, पावर यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, उल्टा बोलते हैं पावर अगर सेम होता तो बेस को भी सेम होना पड़ता, ठीक है। तो ये रहा आंसर हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 ईयर। तो बस यहाँ से वही बेसिक है, इसमें से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो चलो इसी पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इसी तरीके से लेकर चलूँगा, हर टाइप पर 3-5-6-7 क्वेश्चन जैसे जैसे बन पाएगा। और देखो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो ये सारी परसेंटेज जो होती हैं, ये परसेंटेज की वैल्यू याद होती रहेंगी, उससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी आप एग्जाम में जल्दी और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं है, कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के ले लिए, एग्जाम में आपका कैलकुलेशन जरूर फंसेगा। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब घर पर चाहे आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, चाहे जैसे भी करिए, चाहे आप किसी की हेल्प से करिए, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये भी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन करने से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको आता है, लेकिन जब आप किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो हो सकता है कि आप फंस सकते हैं उसमें। तो प्रैक्टिस आपको खुद करना है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, दिमाग आपको खुद चलाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देख लिए काम खत्म, नहीं, मेरे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिखा रहता है, तो आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो एक दो बार अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन है एकदम आसान, एकदम इजी, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किए होंगे, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो हो सके अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, आंसर जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बिना पेन पेपर का यूज़ किए, पेन पेपर एकदम बिना कैलकुलेशन के कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसी चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ। और एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वो तो आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि लाइक करना, शेयर करना, जो भी करना है कि नहीं करना है। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपी 4104 अमाउंट टू रुपी 6517 एट रेट, कितना दिया है, 16.2/3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो क्वेश्चन ये है कि 16.2/3% वार्षिक दर पर 4104 रुपये कितने वर्षों में 6517 रुपये हो जाएगा, और ये रहे ऑप्शन है 2 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 3.5 ईयर 4 ईयर, ये रहे ऑप्शन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस क्वेश्चन का एक बार अटेम्प्ट करिए, पर तो इस क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा कि ये है क्या, और अगर आप इसको 1 मिनट में कर लेते हैं तब भी आप सही जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको कराने वाला हूँ आपको, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है,
कुछ भी नहीं, इसमें करना ही नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखे रहिए, इस बात की तो गारंटी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन किए बगैर आप आंसर निकाल लेंगे। बस आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ये मतलब कैसा है, क्या है सोल्यूशन। और इस बात की तो गारंटी है कि इस मेथड को और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो मेथड यहाँ बताया जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। ये तो पूरा ओपन चैलेंज है कैमरा के सामने, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से बताएं। तो पहले इस क्वेश्चन का बेसिक देखो, जो नॉर्मली सभी लोग बताते हैं इस क्वेश्चन का क्या है कि देखो कैसे करेंगे। तो इसका ये देखो, पहले इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर टी, ये होता है इसका फार्मूला। लेकिन हमें इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है। देखो जो भी परसेंट है सिर्फ परसेंट से मतलब है। तो देखो इसको करना कैसे है, तो इसके जगह पर हम क्या कर लेंगे, इस पूरे के जगह पर परसेंटेज कितना दिया है 16 होल 2 अपॉन 3% दिया है। एक बार मैं इसको समझा लेता हूँ, फिर आप कैसे इसको डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, उसके बाद से आप एकदम कर लेंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो चलो इसको हम क्या लिखते हैं, ये होता है 1/6 हो जाएगा। जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, 16 * 48 = 50 और अपॉन 3 परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई भी 100 कर लेंगे, तो इसको काटेंगे तो दो बार में कटेगा, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी जगह पर 1/6 लेंगे, ठीक। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल को क्या करते हैं, हम इक्वल के इस साइड ला लेते हैं, इस साइड ला लिए। अब इस साइड में इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, देखो जब अमाउंट 6 था, 6 में 1 की वृद्धि हुई, तो इस पूरे के जगह हम लिख लेंगे 7/6 t, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, उसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, परसेंटेज देखकर आप ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जो वो दिया है, देखो इधर क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स हमको टाइम फाइंड आउट करना है, और इतना ये क्या है अमाउंट, यानी ये जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और वो कितना हो गया 6517 रुपये हो गया, ये अमाउंट है। तो 6517 अमाउंट और 4104 क्या है, ये है अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये इक्वल टू है 7/6। बस इतने पर पावर कितना है टी है, ठीक है। अब हमको नहीं पता है कि हमें इसमें से कैसे इसको ये किससे कितना काटें। चलो मान लो अगर आप इससे काट भी लेते हैं तब भी आपको काटने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो करना क्या है, करना इसमें क्या है कि जो नीचे हैं इनका देखो डिजिट को सबको जोड़ देंगे, करना क्या है सभी के डिजिट जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे देखो 4 = 5 और 9 यहाँ 9 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6 + 5 = 11 = 12 + 7 = 19, यहाँ से 19 को क्या लिख सकते हैं, और यानी देखो 10 लिखेंगे तो 10 को 1 लिख लेंगे। तो देखो बस इतना काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इसके जगह हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है, 1/9 लिख लेंगे, इन सबको हटा देंगे, ठीक। अब इधर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमको ये टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इसका, तो 36 आ जाएगा। फिर अगर हम क्यूब करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे तो क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 * 3 = 212 हो जाएगा, ठीक है, 216 हो जाएगा, सॉरी। और उसी तरीके से तो देखो नीचे तो हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर 9 तो हमको मिल जाएगा, स्क्वायर करने पर भी 9 मिल जाएगा, क्यूब करने पर भी 9 मिल जाएगा। लेकिन चलो नीचे का काम हो गया, नीचे हमें नहीं जाना है। अब ये जो है आंसर कौन डिसाइड करेगा, तो ऊपर वाला आंसर डिसाइड करेगा। तो ऊपर वाले में ऊपर हमको लाना है 1 लाना है, तो जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 * 9 = 13 मतलब हो गया 13 को हम 4 लिखेंगे, 1 नहीं आया, तो इसको ये नहीं होगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो देखो कितना होता है 343 होता है, 343 इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब 1 मिल गया, यानी अब ये रहा देखो 1 मिल गया, नीचे 9 मिल गया, तो 1 कब मिला है, ऊपर 3 टाइम में मिला है, मतलब क्यूब करने पर मिला है, तो नीचे वाला क्यूब वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं, 3 ईयर अपना आंसर हो जाएगा। और इस बात की तो गारंटी है, एकदम चैलेंज है कि ऐसा मेथड आपको कहीं मिलेगा नहीं। और अगर इस पर क्वेश्चन बन रहा है, ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, अब ये 2013-15 कब का है ये नहीं याद आ रहा, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर इतने समय पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, बेसिक से अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लेवल है, ओके। तो क्या कैलकुलेशन, कैसे इसको काटेंगे,
वहां पर आपको समझ आए। चलो इस क्वेश्चन का मैं बेसिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर तो अपना 3 ईयर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़े बेसिक से बताते हैं, देखते हैं इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक इसमें करना क्या है, बस इसको काटना है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा वही आएगा, इसमें बेसिक यही चलता है कि देखो पहले जो ट्रिक से बताते थे उस तरीके से करते हैं। करना क्या है, देखो प्रिंसिपल लिख लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4140 और अमाउंट कितना हो जाएगा 6517, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मेथड है, ये मेथड हम यूज नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो जो मैं पहले मेथड बताया आप वो मेथड यूज करिए, आपका आंसर एकदम आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको काटना। देखो ये स्क्वायर है कि क्यूब रूट है कि फोर्थ रूट है, हमें क्या पता, सॉरी स्क्वायर है कि क्यूब है कि फोर्थ पावर है, हमको तो ये पता नहीं है। तो अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, जब तक हम इसको काटेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो काटने के लिए मान लेते हैं हम, अगर कैलकुलेशन हमारा बहुत फास्ट है तब भी देखो मान लो 2 से नहीं कटेगा, चलो 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से देखते हैं 3 से कट रहा है, 3 से ये कट रहा है ये नहीं कट रहा, 4 से ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, अब 7 से तो हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो हमें फास्ट कैलकुलेशन करके हमें 7 से इसको चेक करना पड़ेगा, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 से, 11 से चेक करना पड़ेगा, फिर 12 से चेक करना, 12 से नहीं चेक करना पड़ेगा, 13 13 से तो चेक करना ही पड़ेगा। अब सोचो 13 से चेक करना पड़ेगा, 14 से नहीं करना पड़ेगा, 15 16 17 से तो करना ही पड़ेगा, 17 क्योंकि 17 ये सब प्राइम नंबर है, इतने से इसको चेक करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो हो सकता है कोई ना कोई कट जाए, 17 हो गया इसके वजह से 19 आएगा। तो इतनी सारी वैल्यूज जब हम चेक करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, तो ये 19 से कटेगा, ये 19 से कटकर यहाँ से कितने बार में आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसको 19 से काटेंगे तो 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि ये 6 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ से जो पावर होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये सभी लोग ऐसे ही कराएंगे और वो क्या करते हैं, उनको डेटा, भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो मुझे तो उसका आंसर सोल्यूशन सब कुछ पता है, तभी तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो उसका क्या है भाई, जब खुद ही मैंने बनाया तो कैसे किससे कटेगा वो सारी चीज़ें तो मैंने खुद ही डिसाइड किया, तो मुझे बाद में काटने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप जल्दी से जल्दी आपका कैलकुलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपको चाहे जितने मेथड मान लो 10 15 20 मेथड आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन के, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा जब आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। मान लो आंसर निकाल भी लिए, 2 मिनट में आंसर निकाल रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप SSC CDS वगैरह इस तरह के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो ये एक मेथड है जो कि इसमें मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, जो कि अभी इस वीडियो में तो ये एक ही क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद से जो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है, तो आप जो भी वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, जो भी वहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा डिटेल में फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अभी तो फिलहाल मैथ चल रहा है, धीरे धीरे देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो अभी तो फिलहाल मैथ चल रहा है तो, और उसमें कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और कुछ ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यू है, जिसमें से 2-3 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, परसेंटेज हो गया है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, उसमें भी ट्रिक बताया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉट एवरेज 3 चैप्टर कराए जा चुके हैं, 4th चैप्टर चल रहा है। तो आप वहां से जाकर पूरे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आप नहीं देखे हैं उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसी बात आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसका ये रहा सलूशन, लेकिन ये वाला हम मेथड बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे, जो मेथड हम बताए हैं उसी मेथड को हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना शेयर करना, तो एकदम लाइक करना शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। शेयर तो जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका बस इतना ही, हम लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आपका शेयर, बस शेयर करते रहिए। तो बस वही आपका समझ लीजिए कि जो भी है आप फेस वगैरह जो समझ लीजिए वही आपका क्या है, शेयर सब्सक्राइब शेयर है, और कमेंट जो भी आपका रिएक्शन है वो भी बताते रहिए, ताकि हमको भी पता चलता रहे कि जो मेहनत है। भाई देखो यार ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कॉन्सेप्ट के पीछे एक एक दो दो घंटे का मेहनत होता है, तब जाकर इसके सोल्यूशन निकल के आते हैं, तब आपके सामने यहाँ पर बताया जाता है। तो कहने का मतलब जैसे कि जब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखो मेरे सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाई हमें सॉल्व करके दिखा देंगे, लेकिन हो सकता है वहाँ पर, अभी मान लो यहाँ पर 19 से काटा है, लेकिन यही वैल्यू क्या कर ले, यही यहाँ 19 से काटा था, ठीक है। तो 19 अब मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा 43 यहाँ से बन जाएगा, तब आप कैसे करेंगे 43 मल्टीप्लाई, तो 43 तक सोचना कम बात नहीं है, तो कैसे सोचेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है, हाँ एक बात और है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें
कैसे प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, मैं एक इतना आसान एकदम मस्त मेथड बताऊंगा ताकि आपको चेक करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो वो जब आपको आएगा तो वो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत टाइम लगेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करना भी थोड़े टाइम तो लेगा ही लेगा। लेकिन जो मैंने पहले मेथड बताया उसमें आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपी 9947 अमाउंट टू रुपी 14848 एट 14 होल 2 अपॉन 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है, देखो हिंदी में इसका है कि 14.27% वार्षिक दर पर 9947 रुपए कितने वर्षों में 14848 रुपए हो जाएगा। और ये रहे ऑप्शन टू ईयर, थ्री ईयर्स, थ्री एंड हाफ ईयर्स, फोर ईयर्स। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाएगा तो ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने क्या किया है, डेटा चेंज कर दिया है। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा तो आप क्या हो जाए, आप परेशान हो जाएंगे। आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं है। जब आप इसका आंसर बहुत कम समय में निकाल लेते हैं तब तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा कि आपको बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए, बहुत ही कम कैलकुलेशन कर कर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर आप थोड़े बहुत मेंटली कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पेन एंड पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो एक फार्मूला है, ये आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं याद कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यही फार्मूले से उसको बनाया गया है जो मेथड है। तो देखो इसमें क्या किया गया है, पी को ले लिया गया है इधर, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब इस पूरे के जगह पर, पूरे के जगह पर क्या है, 14 होल 2 अपॉन 7% है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 7%। जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 आएगा। इसका मतलब 7/1 की इंक्रीमेंट है, 7/1 की इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो 7 ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में एक की वृद्धि, तो ये जो होता है वही एसआई होता है अगर एक साल की बात करें तो, ठीक है। तो ये एक की वृद्धि हो गई, यानी तो वृद्धि यानी 7 रुपये जमा किए, 1 रुपये आपको मिला, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर यही लिखना है, क्या लिखना है, 7 से कितने में 8 हो गया, यानी 8/7 इधर लिख लेना है, 2T कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से अब इस समय इधर देखो, इधर क्या दिया है, इधर जो वैल्यू दिया है वो रख लेना है, अमाउंट कितना है, कितना हो जा रहा है, तो 14848 रुपये हो जा रहा है। तो इधर रख लेना 14848 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 9947। अब देखो यहाँ से मेन काम यहाँ से शुरू होता है, इतना तो आपको जो भी क्वेश्चन में है वो लिखना है, सेम टू सेम वही डेटा है। बस अगर देखो, अगर आपका इसमें कुछ करना नहीं है, इसको चाहो तो आप मेंटली वहीं से ही क्या करना है, इसका डिजिटल सम लेना है, क्या करना है, इसका डिजिटल सम लेना। और ये मेथड इतना इफेक्टिव है, इस बात की तो चैलेंज है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कहीं भी। तो चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम इसका ले लेते हैं, मतलब इनको इनके अंकों का योग। तो क्या करेंगे, 9 हो जाएगा हटा देंगे, 4, 8, 12, 16 है, तो 16 को क्या लिख लेंगे, 6, 1, 7 लिख लेंगे, तो 7 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या, 9 से 9 हट जाएगा, बचेगा 9, 7, 4, 11 11 का मतलब 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है, ये सब हट गया, ओके। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/7 2T। अब देखो अब यहाँ से सोचना क्या है, अब हमको इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे, तो देखो यहाँ से क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, 9 4 13 9 4। देखो इधर हमें जो है वो लाना है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी मैं अभी एक तरीका बता रहा हूँ। पहला तो इस जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या होता था, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं, तो 7 9 4 13 13 13 मतलब 1 और 3 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ, 4 इधर है, नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा एक और देख लेते हैं, क्यूब देख लेते हैं, तो क्यूब हो जाएगा 343, ठीक है, 343 इनको ऐड करेंगे तो इनका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो अभी तक तो हमें इधर कुछ मिला नहीं है, तो ऊपर वाले का हम स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यूब कर लेंगे तो क्यूब कर लेंगे
तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 512 को जब हम ऐड करेंगे तो 538 आ जाएगा डिजिटल सम, बस इतना याद करना है, ठीक है। अब देखो इस साइड में, अब देखो ना ही तो 7 मिला, इधर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया है, ठीक। अब इधर देखो नीचे भी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, एक बार और चेक करने पड़ेगा, तो कैलकुलेशन तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे इधर जो आए हैं, पहला क्या आया, पहला 1 है, इसका पहला क्या है 4 है, तो इसको 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का मतलब हो जाएगा 2 और 8 10 और 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, तो 2 साल वाला ऑप्शन तो अपना हट गया, 2 साल वाला ऑप्शन हट गया। 3 साल वाले को चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 1 7 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इधर 8 है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 16 मतलब 6 और 1 7 आ गया, यानी 3 साल पर किस, कौन सी ये वैल्यू है, 3 साल वाली है, 3 साल वाली वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ से हमारा 3 आ गया आंसर। देखो हो क्या रहा है, एक बार मैं इसको फिर से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम दे देंगे तो हो सकता है कि आप लोग को एकदम आराम से ये मेथड आप अगर सीख गए तो आप इस बात की तो गारंटी है कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो करना क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, देखो हम क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास 3/4 है इक्वल टू x अपॉन 5 है, तो हम करते क्या है, क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 5 × 15 इक्वल टू और 4x, तो अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर देखो चाहे जो भी रखे, 15 इधर है तो इधर भी हमें 15 ही लाना है, तभी तुम्हारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि देखो इसका क्या कर लिए, इसका स्क्वायर करके लिखे 49 है, 49 अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, देखो 49 9 4 13 13 यानी 4 यहाँ पर, यानी जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जब क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 8 × 64 1 आएगा, 6 × 4 10 तो 1 आएगा, ठीक, इसका 1 आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा हाँ पहले चेक करते चलते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर वाले में हम चेक कर लेते हैं, नहीं आएगा तो इतनी सारी डेटा लिखने की क्या जरूरत है। अब देखो 4 × 4 = 28 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर का, इसमें 4 × 7 = 28 28 का मतलब हो जाएगा 2 8 10 1 आएगा, ठीक है। अब 1 2 देखो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, इसका मतलब 2 साल वाला हमारा आंसर नहीं होगा, 2 साल वाले को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, 3 साल के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7 आएगा, ठीक है, इसका अंकों का सम 7 आ जाएगा, इसका क्या होता है क्यूब 3 × 4 = 343, इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अब इसको 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, अब यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16, इनका डिजिटल सम हो गया 7, देखो दोनों साइड में 7 7 आ गया, इसका मतलब हुआ कि अपना 3 साल इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग इस मेथड को चाहे जैसे भी हो समझ लीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या कैलकुलेशन है। चलो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक लिख देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होना अच्छी बात नहीं है। देखो इसका बेसिक क्या है, इसको जो भी आप जहाँ भी पढ़ेंगे इसको एक ही मेथड बताया जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे करना है, आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको यही मेथड सिखाया जाएगा। सेकेंड मेथड जो है क्या सिखाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इधर प्रिंसिपल लिख लीजिए, इधर अमाउंट लिख लीजिए, प्रिंसिपल में क्या लिख लीजिए, जो भी दिया है 9 9 4 7, अमाउंट में क्या है 14 8 4 8, ये मेथड आपको बताया जाएगा। अब इसमें मेरे भाई ये बताओ, थोड़ा सोच के बताओ कि इसको किससे काटेंगे, चलो इसको काट कर दिखाओ और आंसर निकालो। तो ये मेथड है अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जब वैल्यू इजी रहेगी, वैल्यू डेटा जो दिया है वो आसान रहेगा तब तो है। ये सब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब 2013 में इससे पहले जो क्वेश्चन कहा था 2013-14 कुछ ऐसे ही करके 2011 का क्वेश्चन है, तो जब इतने पहले ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो अब 2020 चल रहा है, तो अब तो और लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कैलकुलेशन तो करवाएगा ही करवाएगा। तो इसीलिए थोड़े बहुत आप अपना लेवल बढ़ाइए और जो मेथड मैं पहले समझाया आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको चाहे जितने बार हो एक बार सीख लीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन बिना पेन और पेपर का नहीं आया तो फिर बताइएगा, आप कमेंट में कर दीजिए कि हाँ नहीं आ रहा है, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में बताते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। अगर किसी भी चैप्टर का ट्रिक चाहिए तो वो भी कमेंट में उस चैप्टर का नाम बता दीजिए,
कई लोग अगर होंगे, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा किसी चैप्टर पर, पर्टिकुलर चैप्टर पर, तो मैं उसका क्या करूँगा, उसमें जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनका ट्रिक बनाकर उसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मुझको लगता है कि वीडियो को यहीं पर रोकना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ये सब तो आप लोग करते रहिए, ये सब आप लोग करेंगे तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो और ज़्यादा मेहनत करने का मतलब, जाहिर सी बात है, जब किसी काम में मन तभी लगेगा जब वो चीज़ हमको करने में अच्छा लगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मेहनत करने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग अपना काम करते रहिए और हम इधर से बिल्कुल अपना एकदम मेहनत हम लोगों का बढ़ता ही रहेगा। किसी भी चैप्टर में कोई भी ट्रिक की ज़रूरत हो सब आपको मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।